हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अपकमिंग स्पोर्ट्स बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट में 2023 में लॉन्च होने वाली हैं। और इन अपकमिंग स्पोर्ट्स बाइक्स में नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की बाइक्स भी हैं और फुल्ली फेड स्पोर्ट्स टाइप की बाइक्स भी हैं। सो मार्केट में सभी अपकमिंग स्पोर्ट्स बाइक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2KMotoVlogs। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहली अपकमिंग स्पोर्ट्स बाइक है KTM की ड्यूक 390 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल। KTM की ड्यूक 390 रिसेंटली ही इंडिया में भी टेस्टिंग के टाइम पे स्पोर्ट हो गई है और इसकी कुछ पिक्चर्स लीक हो गई हैं, जिससे इस बाइक के ग्राफिक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक रिवील हो गए हैं। KTM की जो अपकमिंग ड्यूक 390 है, इसका डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक KTM की 1290 सुपर ड्यूक R से इंस्पायर्ड होगा, यानी कि बाइक का डिजाइन और स्टाइल पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा स्पोर्टी देखने को मिलेगा। बाइक अपनी सेगमेंट में काफी अच्छी प्रीमियम मशीन है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है अपनी सेगमेंट में। और इसका जो न्यू मॉडल मार्केट में आने वाला है उसमें BS6 फेज 2 कंप्लायंट इंजन आएगा, OBD2 सेंसर आएगा। बाइक में आपको न्यू कलर्स देखने को मिलेंगे, नए ग्राफिक्स भी आएंगे, और जो पुरानी ड्यूक में जो ग्राफिक्स आते थे वैसे ग्राफिक्स इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। और बाइक के टैंक श्राउड्स का डिजाइन पहले से ज्यादा स्पोर्टी और ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिलेगा। बाइक उसी सेम ट्रेलिस फ्रेम पे बेस्ड होगी विद बोल्ट ऑन सब फ्रेम। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म बाइक में आएगी पहले के जैसे, लेकिन बाइक में टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम फीचर अभी तक नहीं आया था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम फीचर भी आ जाएगा। ऑल LED लाइट्स का बाइक में सेटअप देखने को मिलेगा और पहले से भी अग्रेसिव डिजाइन और स्टाइल वाली LED हेडलाइट आएगी। मैकेनिकली बाइक के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, 393cc का वही सेम सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 6-स्पीड ट्रांसमिशन वाला इंजन आएगा बाइक में, जिसकी पावर 43.5 PS के आसपास ही होगी और 37 Nm का टॉर्क होगा। बाइक में क्विक शिफ्टर भी आएगा, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी आएगी, असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी होगा। जो पहले से इस बाइक के अंदर फीचर्स आ रहे हैं वो सभी फीचर्स तो इसके अंदर आएंगे ही, लेकिन बाइक में मेजर चेंज होगा इसके लुक्स, डिजाइन और स्टाइल के अंदर। पहले से ज्यादा स्पोर्टी और ज्यादा एग्रेसिव नेचर बाइक का देखने को मिलेगा। बाइक की सीट उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन मॉडल की सीट्स ज्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल सकती हैं। सो ड्यूक 390 का जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल मार्केट में आने वाला है उसका एक्चुअल प्राइस 3,10,000 रुपए के आसपास होगा और 3,60,000 रुपए के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस जाएगा, यानी कि 10,000 से 12,000 रुपए के आसपास बाइक का प्राइस बढ़ जाएगा। और बाइक की टेस्टिंग इंडिया में भी चल रही है और KTM इस बाइक को अभी 1-2 महीने में भी लेके आ सकती है। और अगर ये बाइक अभी 1-2 महीने में लॉन्च नहीं होती है तो फिर KTM इस बाइक को फेस्टिवल सीजन यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास लेके आएगी। सो आप में से कौन कौन KTM की ड्यूक 390 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल का वेट कर रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट बाइक है हीरो की करिश्मा XMR 210। हीरो की करिश्मा XMR 210 भी काफी बार टेस्टिंग के टाइम पे स्पोर्ट हो चुकी है और इसकी भी टेस्टिंग काफी टाइम से चल रही है, और बाइक के डिजाइन और स्टाइल भी काफी हद तक रिवील हो चुके हैं। न्यूली डिजाइन फ्रंट लुक आएगा बाइक में, ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, LED हेडलाइट होगी, LED इंडिकेटर्स होंगे, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आएगा, LED टेल लाइट होगी, लेकिन पहले से ज्यादा एग्रेसिव, अच्छा एरोडायनेमिक डिजाइन और स्टाइल बाइक का देखने को मिलेगा। हीरो की एक्सट्रीम 200S से इसके लुक्स ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि उससे अच्छा इसका एरोडायनेमिक डिजाइन और स्टाइल आने वाला है। और बाइक की सबसे खास बात यह भी रहेगी कि इसमें 210cc का लिक्विड कूल्ड 6-स्पीड ट्रांसमिशन वाला इंजन आएगा, जिसकी पावर 25 PS के आसपास होगी, 25 Nm के आसपास का टॉर्क होगा, 6-स्पीड गियरबॉक्स आएगा। सो सेगमेंट में इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने वाली है, और ये बाइक मार्केट में यामा की R15 V4, सुजुकी की जिक्सर SF250, बजाज की पल्सर RS200, KTM की RC200 इन बाइक्स के साथ कम्पीट करेगी। और हीरो इस बाइक को काफी अग्रेसिव प्राइस के साथ में लॉन्च कर सकती है। इसका एक्चुअल प्राइस 1,60,000 रुपए से लेके 1,70,000 रुपए के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि हीरो की बाइक होगी तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होगा। फ्रंट में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स आएंगे, रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आएगा, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होंगी, जिसके साथ में डुअल चैनल ABS आएगा। हीरो काफी टाइम पहले ही करिश्मा XMR 210 का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा चुकी है, सो इस बाइक का लॉन्च होना बिल्कुल कन्फर्म है। और हीरो इस बाइक को इंडियन टूलर मार्केट में जून जुलाई के आसपास भी लेके आ सकती है और फेस्टिवल सीजन अक्टूबर नवंबर के आसपास भी लेके आ सकती है, लेकिन इसका लॉन्च होना बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि ये टेस्टिंग के टाइम पे काफी बार स्पोर्ट हो चुकी है। 2023 में ये बाइक डेफिनेटली आएगी। थर्ड बाइक है हीरो की एक्सट्रीम 200R, जो एक नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की मशीन है। हीरो ने काफी टाइम पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था BS6 नॉर्म्स की वजह से,
और उसके बाद हीरो ने इस बाइक के न्यू मॉडल को अभी तक लॉन्च नहीं किया था, लेकिन ये बाइक भी टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट हो चुकी है। इसकी भी काफी सारी पिक्चर्स लीक हो चुकी हैं। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक आएंगी जिसके साथ में ड्यूअल चैनल ईवीएस स्टैंडर्ड आएगा। इसका डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक एक्सट्रीम 160R के जैसा होगा। और इसके इंजन के बारे में अगर बात करें तो इसके इंजन को लेके दो केस हो सकते हैं, या तो इस बाइक में एक्सपल्स 204V वाला 199.5 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन आ सकता है जिसके अंदर 4 वाल्व्स होंगी, जिसकी पावर 19 PS के आसपास होगी, 17 टू 18 NM के आसपास का टॉर्क होगा और 5 स्पीड गियरबॉक्स आएगा। और दूसरा केस ये हो सकता है कि इस बाइक में करिश्मा XMR 210 वाला 210 CC का लिक्विड कूल्ड 6 स्पीड ट्रांसमिशन वाला इंजन भी आ सकता है, जिसकी पावर 25 PS के आसपास होगी और 25 NM के आसपास का टॉर्क होगा और बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स आएगा। सो वो इंजन अगर इस बाइक में आ गया तो इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाएगी, और अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स तो इसके अंदर आ ही रहे हैं, तो फिर ये बाइक मार्केट में काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और बजाज की पल्सर NS200, TVS की अपाची RTR 204V, यामा की MT15, इन बाइक्स को ये काफी अच्छा टफ कंपटीशन दे सकती है। हीरो की अपकमिंग एक्सट्रीम 200R का डिजाइन और स्टाइल एक्सट्रीम 160R के जैसा ही होगा। तो बाइक में LED हेडलाइट आएगी, LED इंडिकेटर्स आएंगे, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आएगा और एच शेप्ड LED टेल लाइट आएगी। और इस बाइक का एक्चुअल प्राइस 1,50,000 रुपए के आसपास होगा। सो आप में से कौन कौन हीरो की करिश्मा XMR 210 और एक्सट्रीम 200R का वेट कर रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट बाइक है यामा की MT03 और R3। MT03 एक नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की मशीन है और R3 एक फुल्ली फेट स्पोर्ट्स टाइप की बाइक है जिसमें काफी अच्छा एरोडायनेमिक एग्रेसिव डिजाइन और स्टाइल है। दोनों बाइक्स इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं। दोनों बाइक्स में काफी अच्छे प्रीमियम KYB अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं। फ्रंट में रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। फ्रंट और रियर में काफी अच्छी डिस्क ब्रेक्स हैं जिसके साथ में ड्यूअल चैनल ईवीएस भी है, और सेगमेंट में दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। इंटरनेशनल टूलर मार्केट में ये दोनों बाइक्स अपनी सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मशीन है। और इंडिया में MT03 और R3 का लॉन्च होना बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि यामा अपनी अपकमिंग बिग बाइक्स को डीलरशिप के सामने शोकेस कर चुकी है। सो यामा की MT03 और R3 आने वाले 1 या 2 महीने में भी मार्केट में आ सकती हैं, और अगर यामा इन बाइक्स को अभी 2023 के मिड में लेके नहीं आती है तो फिर ये बाइक्स फेस्टिवल सीजन के आसपास अक्टूबर या फिर नवंबर में आएंगी। MT03 का एक्शोरूम प्राइस 3,50,000 रुपये के आसपास होगा और R3 का एक्शोरूम प्राइस 3,80,000 रुपये के आसपास होगा। तो दोनों बाइक्स का ऑन रोड प्राइस आपको 4,00,000 रुपये के आसपास ही मिलेगा। दोनों बाइक्स में LED हेडलाइट आएगी, LED इंडिकेटर्स आएंगे, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आएगा। दोनों बाइक्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इन दोनों बाइक्स में 321 सीसी का लिक्विड कूल्ड 6 स्पीड ट्रांसमिशन वाला ट्विन सिलेंडर इंजन है। दोनों बाइक्स की पावर 42 PS है, 29.6 NM का टॉर्क है और दोनों बाइक्स में असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी है। दोनों बाइक्स का लॉन्च होना तो बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं हुई है। जैसे ही इन दोनों बाइक्स की लॉन्च डेट कंफर्म हो जाएगी तो वो डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो आप में से कौन कौन MT03 और यामा की R3 का वेट कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं इस लिस्ट की लास्ट स्पोर्ट्स बाइक्स के बारे में, जो है TVS की अपकमिंग अपाचे RTR 310। TVS की अपकमिंग अपाचे RTR 310 एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर टाइप की बाइक होने वाली है, जिसका डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक TVS की ड्रैगन कॉन्सेप्ट मॉडल के ऊपर बेस्ड होगा। TVS ने अपने ड्रैगन कॉन्सेप्ट मॉडल को काफी टाइम पहले शोकेस किया था और उसका डिजाइन और स्टाइल काफी अग्रेसिव था, उसके लुक्स भी काफी अच्छे थे। TVS की अपाची RTR 310 अपने फीचर्स, इंजन और काफी सारे फीचर्स को BMW की G310R और अपाचे RR 310 के साथ शेयर करेगी, क्योंकि इस बाइक में वही सेम 312.2 सीसी का लिक्विड कूल्ड 6 स्पीड ट्रांसमिशन वाला इंजन आएगा, जिसकी पावर 34 PS के आसपास होगी और 27 NM के आसपास का टॉर्क होगा, बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स आएगा। और BMW की G310R के जैसे बाइक में एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी ये फीचर्स भी आएंगे और साथ में असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी होगी। अपाचे RTR 310 का एक शोरूम प्राइस 2,50,000 रुपए के आसपास होगा और इस बाइक का भी लॉन्च होना बिल्कुल कंफर्म है। ये बाइक मार्केट में अभी तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं TVS इस बाइक के लॉन्च को डिले क्यों करती जा रही है। आने वाले 1 या 2 महीने में ये बाइक मार्केट में लॉन्च हो सकती है, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। और TVS की अपकमिंग अपाचे RTR 310 में ऑल LED लाइट्स का सेटअप आएगा, जैसे BMW की G310R के अंदर है। LED हेडलाइट होगी, LED DRLs होंगे, LED इंडिकेटर्स आएंगे, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा और बाइक की माइलेज आपको 25 KMPL के आसपास की मिलेगी। लेकिन BMW की G310R की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है, लेकिन TVS की अपकमिंग अपाचे RTR 310 की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होगी और इस बाइक को परचेज करना और मेंटेन करना आपकी जेब पे ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस भी BMW की G310R से थोड़ा सा कम रहेगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम रहेगी। सो दोस्तों, ये थी वो अपकमिंग स्पोर्ट्स बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट में 2023 में लॉन्च होने वाली है। लेकिन आप इनमें से किस बाइक का वेट कर
कर रहे हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।